सीरत की चालाकियां समझ में आ रही है साहिबा को, किस तरह से वो अंगद के करीब आने की कोशिश कर रही है, किस तरह से साहिबा को कुछ इस तरह यहाँ पर बंद कर दिया था और फिर यहाँ पर पहुँच आई थी वो अंगद के पास फॉर्म हाउस पर। लेकिन यहाँ पर अंगद जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजग हो चुका है, अंगद को अपनी लिमिट्स पता हैं और वो ये बात याद दिलाता है सीरत को भी। जो है तेरी मेरी डोरिया की कहानी काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि अंगद और साथ ही साथ साहिबा दोनों की ज़बरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलने वाली है। दोनों का प्यार जो है वो परवान चढ़ रहा है, जहाँ पर अंगद जो है वो अपने दिल की बात साहिबा को कहना चाहता है, तो वहीं पर जो साहिबा है वो भी अपने दिल की बात अंगद को बताना चाहती है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ने वाली है और अंगद और साहिबा के बीच बहुत ही प्यारा सा मोमेंट भी आप सबको देखने को मिलने वाला है, दोनों बेहद क्लोज आने वाले हैं। और यही सारी बातें सोचकर सीरत ने जो है वो अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। सीरत जो है वो अकेले में कुछ इस तरह से बुलाती है अंगद को और अंगद के साथ बात करने की कोशिश करती है, उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगद यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि वो अपनी लिमिट्स ना भूले और साफ साफ ये भी कह देता है कि इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीरत यहाँ पर एक ऐसी बात बोलती है जिसको सुनकर काफ़ी अटपटा लगता है अंगद को, क्योंकि सीरत ये कहती है कि पहले तो तुम्हारी शादी मेरे से ही होने वाली थी ना, लेकिन उसके बाद ये साहिबा आ गई। और फिर यहाँ पर साहिबा ये सारी बातें सुनती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो अंगद है वो आता है और अंगद उससे बात करता है और तभी बीच में सीरत आती है और यहाँ पर अंगद साफ साफ कह देता है मेरी और साहिबा की बात चल रही है तो प्लीज़ तुम इसमें मत आओ। और ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है सीरत, क्योंकि सीरत जो है वो पूरी प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से करीब आया जाए अंगद के, ऐसे में वो बड़ी सारी साजिशें भी रचने वाली है और भी बहुत कुछ करने वाली है सीरत। ये देखना होगा किस तरीके से अंगद और साहिबा के बीच फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है सीरत, ये अभी देखकर फैंस को काफ़ी गुस्सा आने वाला है, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा हो रहा था, अब यहाँ पर इंदर वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होने वाली थी, सब कुछ ठीक करने वाली थी साहिबा, लेकिन अब साहिबा और अंगद के बीच जो है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ है। तो इससे पहले यहाँ पर जो सीरत है वो आग लगाने का काम करती नज़र आने वाली है। सीरत जो है वो साफ साफ अंगद से ये पूछ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जो है साहिबा से प्यार हो गया है, जिसके बाद यहाँ पर जो अंगद है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो अब आपको बता दें कि वो साहिबा को बताने वाला है कि वो साहिबा से बहुत प्यार करता है, यहाँ पर साहिबा के लिए वो कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, कुछ केक वगैरह मंगा रहा है और ये बात वो कीरत को फ़ोन करके पता करता है कि उसे कैसा केक पसंद है, ये सारी चीज़ें जो है वो पता करने की कोशिश करता है। तब भी यहाँ पर भी सीरत आ जाती है और सीरत से ये बात वो छिपाता नज़र आता है और ये सोचकर सीरत बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होती है कि लगता है साहिबा और अंगद के बीच नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। ये सोचकर बहुत हैरान परेशान सीरत फिर से कोई नई साजिश करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।